हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सीजी पावर की ओर जून क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है कंपनी का, जो कि कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर करोड़ में दिए गए हैं। इनकम में 2260.6 करोड़ का, मार्च 24 में 2289.8 करोड़ का और जून 23 में 1896 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1925 करोड़ का, मार्च 24 में 1932 करोड़ का और जून 23 में 1633.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। लेकिन एक्सपेंस भी डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस भी डाउन है, जिसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया, क्योंकि इनकम इंक्रीज है और एक्सपेंस डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 335.6 करोड़ का, मार्च 24 में 300.9 करोड़ का और जून 23 में 263 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 241 करोड़ का, मार्च 24 में 233.8 करोड़ का, जून 23 में 203.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 1.58 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज पावर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, अदर से रेवेन्यू जनरेट कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर। इनकम प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट कवर करें, इनकम 2139.7 करोड़ का, मार्च 24 में 2139.3 करोड़ का और जून 23 में 1791.9 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज है, क्योंकि 45 लाख के अराउंड इंक्रीज किया, 46 लाख के अराउंड इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस 1814.7 करोड़ का, मार्च 24 में 1823.3 करोड़ का और जून 23 में 1536 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंस बहुत कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस इंक्रीज किया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 325 करोड़ का, मार्च 24 में 315.9 करोड़ का और जून 23 में 255.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 232 करोड़ का, मार्च 24 में 240.5 करोड़ का और जून 23 में 192 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज का। डाउन होने की रीजन क्या है? टैक्स, करंट टैक्स कंपनी को जो 49 करोड़ का पे करना पड़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 3.3 करोड़ का ऐड हुआ था, जिस कारण से प्रॉफिट में डाउन है। ईपीएस 1.52 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है, लेकिन स्टैंडअलोन में इनकम एवरेज था क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने के कारण प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। लेकिन गाइस, कंपनी का रिजल्ट कंसोलिडेटेड में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ, इसलिए गाइस कंपनी का शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया। अराउंड इसके रिजल्ट आते ही, जो कि 1.5 में इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आते ही कंपनी के शेयर में लगभग अराउंड 4 to 5% का जंप देखने को मिला है। और इसका ये मतलब गाइस, अभी के अकॉर्डिंग 3.2% का प्रॉफिट दिया, 698.5 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड कर रहा है। 5 डे में 2.2% का लॉस है और 1 मंथ में 0.3% का लॉसेस है, और 6 मंथ्स की बात करेंगे तो कंपनी 55.6% का प्रॉफिट है। कंपनी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले चुका है, लगभग इसी महीने से सपोर्ट या 9.4% का 5 जुलाई को हाई बनाई थी, और अभी कंपनी जो है डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ से कहा जब भी बनता है ये पैटर्न, तो ये जैसे मतलब कि कंपनी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ करता है, तो इसलिए कहा अगर आप एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं, एवरेज करना चाहते हैं एवरेज कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।